कार तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे खड़ी है। तो अभी मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ एंड भाई क्या लग रही है गाइस, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है यहाँ बैठकर। तो गाइस ये आ रही है अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी, जिसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है करीब यार 9 बज रहे, और अभी मैं जा रहा हूँ यार नाश्ता करने। तुम लोग यहाँ देखो, ये रहा मेरा नाश्ता, पूड़ी पनीर की सब्जी और खीर। और जब से मैं बहन के घर आया हूँ ना, मतलब मैं ऐसी सारी चीज़ें खा रहा हूँ, क्योंकि बाहर रहते हो ना तो खाने का ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से जो जो मैं डिमांड कर रहा हूँ मेरी बहन बना रही है यहाँ पे, और तुम लोग देखो यहाँ बैठी है सुबह सुबह। मैंने भी इसकी तारीफ़ कर दी है, नहीं तो कहती कि भाई कुछ कह ही नहीं रहा है। तो नाश्ता अभी फटाफट से करता हूँ, उसके बाद हम लोग को जाना है मार्केट। और आज हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी देखने। मतलब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई बाइक को सेल करके कार ले लो, कार ले लो। तो फाइनली आज हम लोग कार देखने जा रहे हैं। कौन सी कार देखने जा रहे हैं? नहीं BMW नहीं बेटा, जो आपकी फेवरेट है। ये तो बजट से बाहर है अपने। महिंद्रा फेवरेट है बता दो। थार तो है, थार तो उसने बोला। हम लोग जाएंगे गाइस महिंद्रा के शोरूम में जाएंगे। 4x4 देख रहे हो थार। तो हम लोग महिंद्रा के शोरूम में जाएंगे, बात बात कर लिया, वहाँ पे गाड़ी देखेंगे जाके। मैंने ना 2-3 गाड़ियाँ सोची है, मैं तुम लोग को बताऊंगा, फिर तुम लोग भी थोड़ा सजेशन देना कि कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आज ये लोग घर पे ही हैं। तू कहाँ जा रहा है? इसका आधार कार्ड बनना है, तो ये जीजू के साथ जा रहा है ऑफिस, वहीं पे बन जाएगा, ये हमें वहीं मिलेगा। और ये भी आज घर पे है, इसने पता नहीं कैसे छुट्टी कर ली। वैसे छुट्टी के नाम पे ना इतना रोता है ये छुट्टी के नाम पे। ये छुट्टी नहीं करूंगा इसलिए रोएगा, घर पे नहीं रुकता, ये स्कूल जाना है। नहीं ये तो बहाना है बेटा। राखी बनवानी थी इसलिए गए थे स्कूल, वो तुमने छुपा के रख दी ना वहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं फटाफट से नाश्ता करता हूँ, फिर देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं मार्केट के लिए। और मेरे को अपनी आंखें भी टेस्ट करानी, क्योंकि मेरी भाई आई साइड ना मेरी कम हो गई है, कंप्यूटर चला चला के गेम खेल खेल के। तो डॉक्टर के पास भी जाना है आज, शायद चश्मा भी बनवाना है। तो बहुत सारे काम करने हैं, तो बाहर चलेंगे, पहले फटाफट से नाश्ता करते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यार मार्केट के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, करीब बज रहे हैं 12, जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और हम लोगों ने कैब मंगाई थी, वहाँ पे अभी कैब आई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कैब से। शिबू तो चला गया है जीजू के साथ, वो हम लोग को वहीं पर मिलने वाला है। और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना वाले। और ये देखो रेडी वेडी होकर चश्मा वश्मा लगा कर कहाँ जा रही है ये पूरा, ये किसी ना किसी बात में लड़ाई करती रहती है मेरे से पूरा टाइम। कौन सा सीक्रेट? कोई सीक्रेट नहीं है ये, बस इनका इनके पास कुछ और काम नहीं है ना, इस वजह से ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अभी निकलते हैं और उसके बाद महिंद्रा के शोरूम भी चलेंगे। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ जाकर गाड़ी में बैठने। वैसे मेरे को अभी तक ड्राइविंग करनी नहीं आती है, बट वो तो बाद में सीख लेंगे। बाइक लेने से पहले मेरे को बाइक चलानी भी नहीं आती थी, बट फिर वो भी तो सीख ही ली मैंने। और यार मैं अपने एयरपॉड्स लाना भूल गया। अरे मैं एयरपॉड्स तो लाया ही नहीं, ओम को दे दे, ओम वहाँ रखा है टीवी यूनिट के सामने रखा बेटा, जल्दी एयरपॉड लिया भाग के, क्योंकि भाई सर दर्द होगा। बैठते हैं, हाँ मैं आगे बैठ रहा हूँ, सर दर्द होता है, ओटीपी बताना पड़ेगा भैया। तो अभी मैंने ओम से एयरपोर्ट्स मंगा लिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई यहाँ से ना जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पता नहीं मेरे साथ सीन क्या हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है बार बार जाने में, तो इसीलिए पहले जाकर आई टेस्ट कराता हूँ, हो सकता है चश्मा लगेगा। वैसे हो सकता नहीं, लगेगा ही भाई, मेरी आई सेट कम हो गई है, तो वहाँ पर भी चलना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। बाकी बाहर धूप तो भाई बहुत ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो, और यहाँ की बिल्डिंग्स देखो कितनी प्यारी हैं ये। तो अभी हम लोग यहाँ डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुके हैं, और तुम लोग यहाँ देखो ये रहा हॉस्पिटल, ये लग रहा है 5-स्टार होटल जैसा। तो अभी चलते हैं, मेरे को आई टेस्ट करानी है, देखते हैं यहाँ पे मतलब तो ब्लॉगिंग वगैरह करने देंगे नहीं करने देंगे। ये लोग तो पहले आ गए, मैं पेमेंट वगैरह कर रहा था कैब वाले का भाई। एक तो कार वाले ने ना AC बंद कर दी कैब वाले ने, तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई। बाकी अंदर चलते हैं, देख लो, पता नहीं अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड होगी नहीं होगी, चल के देखते हैं। तो अभी यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जिस कैब से हम लोग आए थे उस कैब में मेरी आईपॉड का जो बॉक्स होता है वही छूट गया। अभी मैंने अच्छा रहा अभी याद आ गया, और जैसे ही मैंने चेक किया तो मैंने भैया को कॉल कर दिया, और वो भी आ रहे हैं। ये तो नहीं है जो आ गए, ये तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाके भाई, अगर छूट जाता नुकसान हो जाता मेरा। चलिए वेट करते हैं, लेकर आते हैं। तो अभी कैब वाले भैया शायद आ चुके हैं, यही 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 दे रहे भाई, लेकर आ गए, थैंक यू भैया। तो कैब में भाई आ गई, ये अच्छा रहा मिल गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती यार, मैं तो डर गया, मैंने कहा हो गया काम हद यार। भाई बिल्डिंग देखो बगल में कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लखनऊ में ना भाई बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, फटाफट से अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग डॉक्टर के यहाँ आ चुके हैं, और अभी नंबर वगैरह लगा कर बैठे हैं, और यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अंदर, कम से कम चलो पंखा चल रहा है, AC चल रही है, आराम से बैठे हैं।
सारे लोग बैठे और यहाँ देखो मैच चल रहा है, इसे बैठ के देखते हैं, वेट करते हैं, टाइम बहुत लगने वाला है, बहुत भीड़ है। तो अभी हम लोग यार डॉक्टर से दवा वगैरह लेकर आ चुके हैं और भाई पूरे एक घंटे तक ना मेरे को आई ड्रॉप डालकर रहना पड़ा, मतलब आई ड्रॉप आंखों में डाल दिया ना, उसके बाद एक घंटे तक वेट करा और उसके बाद जब आंखें खोली है ना भाई ठीक से नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब ब्लर ब्लर दिख रहा है, मैं फोन में ना कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी आई ड्रॉप है, और मेरी जो आई साइड है ना वो ज़्यादा वीक नहीं हुई है, थोड़ी हुई है, तो उसके लिए ड्रॉप वगैरह ले ली है, थोड़ी दवाई वगैरह ली है, और मेरे को आगे दोबारा मतलब मंगलवार को आना है और उस टाइम पे मेरा चश्मा बनेगा। तो अभी हम लोग जीजू का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए फिर चलते हैं महिंद्रा के कार शोरूम में महिंद्रा की कार्स देखने के लिए। बाकी यहाँ पे हमें यहाँ वेट करें कहाँ करें, बाहर करें अंदर जाना यार, ये बात भी ठीक। और ये देखो ये बच्चा आ गया और ये हरकतें क्या कर रहा है, मछली नहीं है ऐसे बेटा ऐसे मत घुस जाना, ये ऑफिस में था अपने पापा के साथ सुबह चला गया था और अभी अभी आया, ये हम लोग को यहीं पर मिला शिबू, ये देखो हरकतें देखो इसकी, ये देखो हरकतें देख रहे हैं इसकी क्या हरकतें है, ये ड्रॉप डाल दे अलग है ना ड्रॉप, ये वाली अलग है है ना, हाँ ये ड्रॉप अलग है। तो अभी जीजू का आने का वेट करते हैं फिर चलते हैं, सुसु आई है उसमें करेगा कहाँ करेगा, नहीं नहीं कहाँ जा रहा रोड पे, नहीं मुझे बदतमीज, अंदर चल अंदर वॉशरूम अंदर करा देना चल के, अंदर करा दो टॉयलेट करा के इसको। तो अभी यार जी जी आ चुके हैं और अभी हम लोग कार में बैठ गए, वैसे हम लोग अभी डॉक्टर के यहाँ वेट कर रहे थे तो अचानक से कॉल आया, सीधे आकर कार में बैठ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी देखने, सारे लोग यहाँ पे बैठ गए, तुम लोग यहाँ देखो इसको शैतान बच्चे को इसने सुसु भी कर लिया है, इसको जहाँ जाओ आती रहती है, और मेरे को ना इसका फेस ना ब्लर ब्लर नजर आ रहा है, मैंने चश्मा ना इसीलिए लगा रखा है क्योंकि मेरे को थोड़ा ना दिख कम रहा है, तो चश्मे से मेरे को सही दिख रहा है। पैसा देखो कितना पैसा है, ये दो पैसा है, 50 है बेटा, ये दो पैसे दो। बाकी मेरी बहन गई है वहाँ कुछ खाने का लेने पीछे गई है, अभी वो लेकर आएगी, उसके बाद सीधे चलते हैं अपन लोग फटाफट से, और 50 रुपीस रख लो, 50 रुपीस को किसने दिए, अम्मा ने, अम्मा ने दिए, अम्मा अम्मा हाँ अम्मा कहाँ से मिली, पापा को था। अच्छा अरे यार अम्मा ने दिए, हद है यार, रख ले जेब में रख, जेब में रख इन्हें। तो अभी हम लोग यार महिंद्रा के कार शोरूम में पहुंच चुके हैं, तुम लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये रहा महिंद्रा का कार शोरूम, फटाफट से अंदर चलते हैं और चल के गाड़ियाँ देखते हैं क्या, अच्छा थार, थार देखनी है इसको, थार भी देखेंगे टेंशन ना ले। तो हम लोग ना दो तीन गाड़ियाँ घर से डिसाइड करके आए थे, वो गाड़ियाँ देखने वाले हैं, बाकी अभी पूरा प्रॉपर प्लान नहीं किया है कि यही लेनी है, दो तीन ब्रांड की और भी गाड़ियाँ देखेंगे। बाकी जीजू यहाँ पे कार पार्क कर रहे हैं और यहाँ पे एक लैंड रोवर खड़ी है, ये खड़ी है यहाँ पे, इधर आ जाएगी, अच्छा यहाँ पार्क कर रहे हैं क्योंकि ना पार्किंग की जगह यहाँ पे है ही नहीं, मेन रोड पे ही है कार शोरूम, अंदर चल के देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ, वैसे सारी लग रही है तो अंदर चलते हैं पहले, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ आराम से कि कौन कौन सी गाड़ी हम लोग देखने आए हैं। वैसे मैं तो आप लोग को बता ही देता हूँ, हम लोग यहाँ पे थार देखने आ गए हैं, थार देखने आए हैं, XUV 700 और स्कॉर्पियो देखने आए हैं, तीन गाड़ियाँ घर से डिसाइड करके आए हैं, बाकी देखते हैं अभी चलते हैं अंदर। भाई मेरे से ज़्यादा तो वो एक्साइटेड हो रहा है, वो देखो भाग गया सीधे अंदर। तो अभी हम लोग कार शोरूम में आ चुके हैं कार को देखने, और सबसे पहले हम लोग 700 देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देखो ये रही वाइट कलर में यहाँ पे खड़ी हुई है, अंदर से पूरा चेक कर रहे हैं, पहले 700 देखेंगे, थार और XUV N तीन देख, मतलब स्कॉर्पियो एन तो वो भी देखेंगे। बाकी भाई बहुत प्यारी लग रही है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, फ़ोटोज़ में और रोड पर थोड़ा अलग लगती है बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, वाइट कलर में देख रहे हो, और ये टॉप मॉडल में है, बाहर से तो मैंने तुम लोग को दिखाई दी अलाउ व्हील देख रहे हो, अंदर से दिखाता हूँ, इसका इंटीरियर बहुत ही प्यारा है, हटना एक बार ओम बेटा हटो भाई, इंटीरियर देखो बहुत ही प्यारा इंटीरियर, सिर्फ पीछे बेटा अभी तक भाई हमने तो सिर्फ फोटोज़ में ही देखा था, रियल में अभी देखा, देख लो क्या प्यारा इंटीरियर है गाइस, और ग्राउंड क्लियरेंस तो इसकी है ही भयंकर वाली, बहुत ही प्यारी है, तुम लोग नहीं देख रहे कार, कौन सी गाड़ी बढ़िया लग रही है हमको तो मुझे अभी स्कॉर्पियो तो देखी नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं अच्छी है, तेरे को कौन सी सही लग रही है, देखने इसको तो ये टॉप मॉडल भी है, प्रीमियम कार है ना ये। तो हम लोगों ने SUV 700 तो देख ली, अब हम लोग जा रहे हैं Scorpio 1 और थार देखने, थार तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पे खड़ी है, नई वाली नहीं है बेटा ये पुरानी वाली है, भाई लग तो ये भी बढ़िया रही है, मतलब रोड से ना शोरूम में बहुत प्यारी लगती हैं चीज़ें, यहाँ देखो सामने से हटो पीछे से हटो पीछे हटो, काफ़ी बढ़िया लग रही है यार ये रोड पर खड़ी हुई, छोटी लगती है रोड पे खड़े हो गई, चीज़ बहुत छोटी लगती है बट काफ़ी बड़ी लग रही है, एंड ये है असली चीज़ स्कॉर्पियो एन, ओ भाई
अरे ये तो जिया, ये तो बहुत ही बड़ी है, ये तो है ना भाई, क्या जॉइंट कार है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कार है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी दी है। यहाँ देखो क्या प्यारी लग रही है, साइज़ देख रहे हो इसका, अभी देखते हैं, ये देखो साइज़ देखो इसका कितना ज़्यादा बड़ा है। अभी इसका मैं तुम लोग को डैशबोर्ड वगैरह भी दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ये कौन सी है, अच्छा ये भी बढ़िया लग रही है, बट अपना मेन फोकस 700 और स्कॉर्पियो एन पे है, बाकी और मॉडल की भी देख लेंगे इसी प्राइस रेंज में कौन कौन सी गाड़ी है। ये वाली देख थोड़ी ज़रा, ये कैसी लग रही है, ये वाली गाड़ी तो मैं कह रहा हूँ, ये यही तो लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये वाली गाड़ी कितनी कितनी भयंकर है ना, सांड सी कितनी जॉइंट है। इसका डैशबोर्ड देखेंगे, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो अभी मैं कार के अंदर बैठ चुका हूँ एंड भाई क्या लग रही है गाइस, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है यहाँ बैठकर। और आगे ना मैं तो पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं स्कॉर्पियो एन में बैठ रहा हूँ पहली बार। यहाँ देख रहे हो डिस्प्ले वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है, तो गाड़ी है बहुत प्यारी। अभी मैं 700 में बैठ के देखता हूँ, तब मेरे को मज़ा आएगा, पता चलेगा। और ऊँची तो बहुत ज़्यादा, साइज़ देख रहे हो लग रही है, बहुत ऊँची है, बढ़िया कार है, अच्छी लग रही है ना। हाँ अपने कार जैसे बैठ के देखता हूँ तो नीचे लगती है, या बैठ के ऐसा लगता है ट्रक में बैठ, चलो थार में बैठ के देखते हैं निकलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 700 के अंदर और गाइस ये गाड़ी ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। जैसे मैं गाड़ी में बैठा भाई, सीट ना अपने आप एडजस्ट हो गई, मेरे हिसाब से आगे आ गई भाई, बहुत ही ये ना ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें ना सब कुछ है, टॉप मॉडल है, इस वजह से ना देख रहे हो डैशबोर्ड देखो इसका, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और जो स्कॉर्पियो एन है ना वो बहुत यूज है, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी है वो, और प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है। स्कॉर्पियो जो 700 ज़्यादा महंगी है, वो थोड़ी ज़्यादा सस्ती है। तो अभी इसका कोटेशन वगैरह बना के जा रहे हैं, बाकी घर वाले देखो बाहर बैठे हैं। यहाँ देखो भाई मैं सही बताऊँ, मैं इस कार में भी पहली बार बैठ रहा हूँ, अभी तक मैं 700 में भी नहीं बैठा, स्कॉर्पियन में भी नहीं बैठा और थार में भी नहीं बैठा, तो थार में तो बैठा हूँ, इन गाड़ियों में नहीं बैठा, पर बहुत प्यारी है भाई गाड़ियाँ। अभी चलते हैं बात करते हैं कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, तेरे को मज़ा आया इसमें, कौन सी गाड़ी में ज़्यादा मज़ा आया, इसमें या उसमें? मुझे तो उसमें आया स्कॉर्पियन में, क्योंकि क्यों आया उसमें, यूज हाथी जैसा लगा तो मस्त, हाथी जैसा, ये तो है कि हाँ जाइंट है, बहुत ज़्यादा जाइंट है वो। तो गई जब हम लोग जा रहे हैं 700 की टेस्ट ड्राइव लेने, पूरी फैमिली जा रही है, सारे लोग जी जा रहे हैं आगे आगे, क्योंकि चलाने वाले तो यही है भाई, अपने को तो चलानी अभी फ़िलहाल आती नहीं है, पहले कार ले ली जाएगी उसके बाद सीखना पड़ेगा। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, और यहाँ तो घिर गया है नीला वाला कलर जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ ही नहीं होगा मेंटेनेंस जब कार लेंगे। और ये रही अपनी ड्रीम कार, इधर खड़ी है जो फॉर्च्यूनर, ये गाइस ड्रीम कार है एक तरीके से मेरी, जब पैसा होगा ना तो ये गाड़ी जरूर लेनी है। देख रहे हो कितनी यूज गाड़ी, देख रही है कितनी बड़ी है, यूज देख इसका बोनट ओनट, देख रही कितना बड़ा है, तेरे हाइट के बराबर इसका बोनट है। तो गाइस ये आ रही है अभी टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी, जिसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई, गाड़ी का लग तो बढ़ी रही है भाई, बढ़िया कार है अपने लिए तो भाई, यही गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सही है, चल के बैठ कर देखते हैं। हाँ चलाओ गाड़ी, दस राइड तो जो लेता वो चला। मैंने तुझे पता याद नहीं है जब बाइक ली थी, बाइक भी चलानी नहीं आती थी, बाइक भी अभिषेक लेकर आया था, मुझे चलानी नहीं आ रही, कार शुरू से उसी ने निकाली, हम लोग बैठने वाले बस जाके आ जा तू आगे जा। मैं आगे, वो भैया बैठ रहे हैं शायद, मेरे को ब्लॉग बनाना है, शिवू पीछे बैठ जा बेटा, अच्छा ये भी साथ में बैठेगा, कोई नहीं बैठते हैं। ओ भाई तू बेटा बीच में आ, बीच में इधर, बीच में आ भाई, एसी भी बढ़िया चल रही है इसकी। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, और ये पूरी ऑटोमेटिक कार है, बाकी तुम लोग ऐसे की देख सकते हो, की दिखाओ बेटा की, चाबी ये देखो, अभी नहीं है ना एकदम से, हाथ सेट होने में 2-4 मिनट 10 मिनट लगेगा आराम से, कोई नहीं, ऑटोमेटिक है ना ये, ऑटोमेटिक कार का ही फायदा है, इसकी एसी बढ़िया चल रही है भाई, स्पेस भी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है शिबू तेरे को, मज़ा आ रहा है, ये टच चला रहे हैं यहाँ पे बस। अच्छा 360 कैमरा इसके अंदर, हाँ हाँ हाँ, ये तो बढ़िया चीज़ है भाई, कार है तो बढ़िया बहुत ये। तो अभी हम लोग यार कार्स वगैरह देख कर आ चुके हैं, हम लोगों ने भाई बहुत देर तक कार शोरूम में बैठकर अच्छे से डिस्कस किया कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए,
और पहले कार में बैठते हैं यार, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी कार में बैठ गए और आप बताओ कौन सी गाड़ी ज्यादा सही लगी है? 700 तेरे को कौन सी गाड़ी बेटा? और तुझे कौन सी सही लगी? इसको कुछ समझ नहीं है। आपको भी वही लगी ना 700? उन्हें तो पहले से ही पसंद थी। और मैं आप लोगों से बताऊँ ना, मैं ना इससे पहले भी पिछले साल तक मैं सोच रहा था कि 700, मैं अपनी बहन को फोटो भेज रहा था कि 700 ही लेंगे जब भी लेंगे, बट क्या है कि देखो नई नई गाड़ियाँ आती रहती है तो प्लान भी चेंज होता रहता है। और अभी हमारा जो बजट है ना उस रेंज में हम लोग सोच रहे हैं कुछ और गाड़ियाँ भी बाद में देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेनी चाहिए। वैसे सही बताऊँ कार शोरूम में ना 700 ज़्यादा बढ़िया लग रही थी, जो मतलब जो लग्जरी में आ जाती है ना वो गाड़ी बढ़िया लग रही थी। नहीं तो फिर फॉर्चूनर भी, यहाँ पे फॉर्चूनर भी खड़ी थी और स्कॉर्पियो तो देखी आप लोगों ने, वो भी बढ़िया थी। तो अभी टाइम हो रहा है अगर भी यार 9 बज रहे हो और अभी हम लोग जा रहे हैं यार खाना वाना खाने, क्योंकि घर आने में यार काफी ज्यादा लेट हो गया था, फिर आराम वगैरह किया और अभी खाने का टाइम हो चुका है। और तुम लोग यहाँ देखो ये शैतान अभी भी भाई बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, और ये और इसका भाई मतलब ओम दोनों ना लड़ाई कर रहे हैं। अभी अभी शांत हुए हैं जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है ना, ये देखो। और उसमें मत लगा लेना सर, ये तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसके अंदर ना 2 दिन पहले इसने अपना सर भिड़ा दिया था, टूट गया पूरा, और उसका सर फूटने से बचा था। बाकी यहाँ पे मैच चल रहा है, ओ अभी बच गया, इधर आ, ये बच्चा ऐसे गिरते रहते फिर गिर रहा है। चला बाहर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं चल के। यहाँ पे खाना वाना लगा लिया, सारे लोग बैठ कर नीचे खाना खाने वाले हैं। बस शैतानी मत कर, आजा ब्लॉग का एंड करते हैं। बाकी गाइस गाड़ी वगैरह हम लोग देख कर आ चुके हैं, क्या ठीक है? तुम बोल दो पहले, तुम बोल दो, बोल दो पहले। हाय बाप को बड़ा पसंद है तो लाइक से कमेंट करना ना भूलो। तेज बोलो तेज। हाय बाप को बड़ा पसंद है तो लाइक से कमेंट करना ना भूलो। तब तक के लिए बाय। और तुमने गाड़ी देख ली थी आज? हाँ। थार में मजा आया? हाँ। कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया लगी तेरे को? थार और वाली। कौन सी? ऑटोमेटिक वाली। ऑटोमेटिक वाली, हाँ वो गाड़ी तो बढ़िया थी। और अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं, और उस रेंज में हम लोग कुछ और भी गाड़ियां देखेंगे, उसके बाद जो भी फाइनल होगी मैं आप लोग को बता ही दूंगा। बाकी चलो ठीक है गाइस, इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे। आई होप आप लोगों को मजा आया, अगर मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय।